हैं। करीम भाई बताएंगे कि बकरे के क्या रेट हैं। करीम भाई पहले तो ये बताएंगे आप कहाँ से आ रहे हैं। कौन सा बकरा कितने का है, कम से कम में यहाँ पे बकरे की क्या कीमत है और ज्यादा से ज्यादा में क्या कीमत है। करीम भाई हमें बताएं, बकरा दिखाएं कि किसका क्या है। करीम भाई इस बकरे का क्या रेट है? ये देखें करीम भाई, जैसे कि बता रहे हैं कि ये कथई कलर का बकरा है। मेरे कैमरा मैन से कहूँगा कि ये बकरा दिखाएं, इसकी कीमत जो है 80,000 रुपये है। ये बकरा 80,000 रुपये का। और करीम भाई अगर कोई खरीदता है और कम से कम इसकी कीमत क्या हो सकती है? और करीम ये जो बकरा है आपके पास इसकी क्या कीमत है? इस बकरे की कीमत बता रहे करीम भाई की 65,000 रुपये का ये बकरा है। करीम भाई कम से कम में कौन सा बकरा है आपके पास जो कम से कम में इसको एक आम आदमी को खरीद? मेरे साथ ये 18-19 हज़ार के बकरे हैं। ये दिखाइएगा, ये 18,000 और 19,000 के बकरे हैं। ये 40 से 45 हज़ार का बकरा है। बहुत ही मेरी नज़र में बहुत जबरदस्त बकरा है। दिखा लें, देखें बहुत ही खूबसूरत बकरा है। उसकी क्या कीमत बताइए आपने? 45। करीम भाई बता रहे हैं कि बकरा दिखाइएगा, 45,000 रुपये फाइनल रेट है। बहुत ही खूबसूरत बकरा है, एक हसी बकरा है। करीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा रेट बताया। फिर आपके पास आएंगे और ये दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द आपका माल ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीद। आपके साथ मैं हाजिर हूँ और मैं आपको जैसे कि दिखा रहा हूँ कि मैं मंडी में पहुँच गया हूँ और ये बकरा मंडी है। और इससे आगे मैंने आपको गाय मंडी भी दिखाई और गाय मंडी और बकरा मंडी में और जो रेट थे जो प्राइस थे वो भी मैंने आपको बताए कि कितने से लेके कितने तक का जानवर यहाँ पे मौजूद है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जानवर नहायत ही महंगा मिल रहा है। तो लेकिन हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा अच्छा जानवर भी मिले और सस्ता जानवर भी मिल जाए, ये ढूंढने पर है। तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। मेरे साथ एक भाई खड़े हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि इनका नाम क्या है। भाई आपका नाम क्या है? अमजद नाम है। अमजद आप क्या बकरे से आए हैं? कहाँ से आए? नौशेरों फिरोज से आए। तो आपके पास कौन से बकरे मुझे दिखाएंगे? कितने का बकरा है? किस रेट पे? चलिए मेरे साथ चलिए, जब पीछे हमें चलेंगे और बकरा दिखाएंगे कि कौन सा बकरा कितना रेट है, बकरे का क्या रेट है। जैसे कि ये दिखा रहे हैं सफ़ेद कलर का बकरा ही है। अमजद ये सफ़ेद कलर वाले के क्या रेट है? 50 है मगर वो अमजद इसका मुझे ये बताएं कि आप फाइनल इसका रेट कितना देंगे? इसका 38,000। 38,000 रुपये इस बकरे के देंगे। बहुत ही मेरी नज़र में तो बहुत ज़बरदस्त बकरा है। देखें बहुत अच्छा बकरा है और पालतू और घर का पला हुआ बकरा है। और 38,000 में आप देंगे तो इसमें और भी आपके पास कम रेट में है बकरे? कौन से बकरे हमें दिखाई? ये 35-35 हज़ार के दो दांत है। ये दो दांत के बकरी का बकरे दिखाइए। बने हुए बकरे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इंजेक्शन लगा के इनके पेट को बड़ा किया गया हो या कोई ऐसी चीज़। ये घर के पास बकरे हैं। और अमजद आप ज़्यादा से ज़्यादा में कितने हज़ार तक का बकरा? 60,000 तक का बकरा मुझे चाहिए। और इसके अलावा 40 तक का भी बकरा है आपके पास? बताइएगा ज़रा 40 तक का बकरा है। आए आगे आए मेरे साथ। ये देखें 40,000 रुपये का बकरा है। ये सर 40,000। ये भी दो दांत है? हाँ दो। ये देखिए दो दांत है और ये 40,000 इसके कीमत मांग रहे हैं। ये 40,000 का बकरा है। इसके दांत जरा दिखाइएगा। ये देखिए दो दांत है। इसी तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी इधर चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारे बकरे हैं, बहुत सारे जानवर हैं, गाय हैं, ऊँट हैं। कीमतें भी हैं लेकिन चीज़ भी अच्छी है।
तो मैं अपने लोगों से यही करूँगा, कहूँगा कराची के जितने भी लोग हैं वो जल्द अज जल्द यहाँ पर आएँ, रेट बहुत अच्छा मिलेगा उन्हें। इसी बार्गेनिंग होती है, इन्होंने भी अपने जानवरों को पाला होगा, छोटे से बड़ा किया है, इनकी भी मेहनत है, इन्होंने भी खिदमत की है, तो उस खिदमत के पैसे लेना इनका फ़र्ज़ है। तो आपसे यही कहूँगा जितने भी लोग हैं कराची के या कराची से बाहर के, कि वो जल्द अज जल्द आएँ और ये बकरे खरीदें, जानवर खरीदें, ऐसा ना हो कि यहाँ पे जानवर भी ख़त्म हो जाए और गाय भी ख़त्म हो जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आगे भी इंशाल्लाह मैं ये वीडियो बनाता रहूँगा। जब तक बकरा ईद है, दम में दम है, सब मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। गाइस, हम मंडी आए और हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मेहनत की है वीडियो बनाने में, 2 घंटे हमें हो चुके हैं। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यही करें।